दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वाटर लेवल सेंसर। इलेक्ट्रिकल में वाटर लेवल सेंसर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों वाटर लेवल सेंसर को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। बेसिकली थ्री टाइप्स का वाटर लेवल सेंसर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एक हो गया दोस्तों प्रोब सेंसर, दूसरा हो गया दोस्तों फ्लोट सेंसर और एक हो गया दोस्तों अल्ट्रासोनिक सेंसर। वाटर लेवल सेंसर में दोस्तों एक आईसी रहता है दोस्तों, और एक रेजिस्टर रहता है दोस्तों, और एक कैपेसिटर रहता है। उसके साथ दोस्तों एक बाजर रहता है और एक दोस्तों बैटरी भी रहता है। एलईडी इंडिकेटर और वायर भी इसके साथ रहता है दोस्तों। ये जो वाटर लेवल सेंसर होता है दोस्तों, जहां पे वाटर रिजर्वर रहता है, बड़े बड़े वाटर रिजर्वर रहता है, वहां पे ये यूज किया जाता है दोस्तों। बड़े बड़े वाटर टैंक में दोस्तों वाटर लेवल देखने के लिए दोस्तों ये सेंसर यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों वाटर का लेवल कितना हाई है, कितना लो है, उसको देखने के लिए ये वाटर सेंस यूज किया जाता है। पानी के टैंक में वाटर लेवल कितना है उसको सेंस करता है ये जो रिले होता है। रिले सेंस करके उसको कंट्रोलर को भेजता है। उसके बाद कंट्रोलर के जरिए दोस्तों मोटर ऑन ऑफ होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में दोस्तों वाटर लेवल सेंसर जो होता है दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ नया उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।